गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, जरा आज हम स्टार्ट करें नया टॉपिक एक्सरसाइज 11.2 में पैराबोला के बारे में हम आज पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमने सर्कल के बारे में पढ़ा था कॉनिक सेक्शन में, आज हम पैराबोला के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो अपनी बुक निकालो बेटा एनसीईआरटी की। बेटा पेज नंबर एनसीईआरटी की बुक में 242 पेज नंबर निकालो, 242। पैराबोला की डेफिनेशन यहाँ से पढ़ें, फिर उसके बाद मैं बोर्ड पे कराता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। ए पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, एक पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, उन पॉइंटों का सेट है, इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन एंड ए फिक्स्ड पॉइंट नॉट ऑन द लाइन इन द प्लेन। कहने का मीनिंग क्या है, कहता है कि एक हमारे पास ये पॉइंट है, देखो फिक्स पॉइंट है, एक लाइन ये वाली गिवन है, ठीक है, और एक ये वाली पास कर्व बनी हुई है। कहीं पर भी आप एक पॉइंट ड्रॉ कर लो, कहीं भी एक पॉइंट लगा लो, एक लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर कहीं भी एक पॉइंट लगाओ बी वन, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डिस्टेंस निकालो, और ये की है डिस्टेंस, यानी कि ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालूँ और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालूँ तो दोनों डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए। अगर मैं बी वन को पी वन से ज्वाइन कर दूँ, पी वन को इस एफ के साथ ज्वाइन कर दूँ, तो कहता है कि ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। ऐसे ही अगर सपोज करो कि मैं यहाँ पर पॉइंट लगा लेता हूँ, पूरी लाइन पर आप कहीं भी लगा लो, मैं यहाँ पॉइंट लगाया, एक पॉइंट यहाँ, कहीं भी पूरी कर्व पे कहीं भी लगा लो, मैं यहाँ लगा देता हूँ, आप इस पॉइंट को यहाँ ज्वाइन कर दो और इस पॉइंट को यहाँ ज्वाइन करो, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तब तो ये वाली लाइन जो होगी ये कर्व क्या होगी, एक पैराबोला होगी, नहीं तो नहीं, इसी कर्व को हम पैराबोला कहेंगे। इसके ऊपर जो हम पॉइंट्स ले रहे हैं ना, पी वन पी टू पी थ्री पी फोर पी फाइव पी सिक्स पी सेवन पी एट पी नाइन, इसके ऊपर कहीं भी पॉइंट लगा दो, इन पूरे पॉइंटों के जो सेट है, इन पूरे सेट को हम क्या कहेंगे, पैराबोला। यानी अगर सिंपल वे में कहें तो इस कर्व को ही हम क्या कहेंगे, पैराबोला। यहाँ पर ये लिखा है ना, देखो पी वन और एफ का डिस्टेंस, ये पी वन का एफ के साथ डिस्टेंस, पी वन का बी वन के साथ डिस्टेंस इक्वल, ठीक है, इस पी टू का एफ से डिस्टेंस, पी टू का बी टू से डिस्टेंस, ऐसे ही नेक्स्ट डिस्टेंस ये क्या है, इक्वल है। पर ये याद रखें कि ये वाला जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब दोबारा डेफिनेशन को जरा ध्यान से पढ़ो। अच्छा, एक लाइन जौन सी ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, और इस पॉइंट को हम, जैसे सर्कल है, सर्कल के अंदर इस पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं ना, ये सर्कल है, देखो सर्कल में इस पॉइंट को सेंटर कहते हैं, और इसके अंदर ये पैराबोला, इसको हम फोकस कहते हैं। दोबारा इसकी डेफिनेशन को पढ़ो। ए पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट, यानी इन सारे, क्या कह रहे हैं कि इन सारे पॉइंटों का सेट, ए पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट, यानी इक्वल डिस्टेंस पर है, फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन एंड ए फिक्स वन, नॉट ऑन द लाइन इन द प्लेन। द फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स, इस लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, द पैराबोला, एंड द फिक्स्ड पॉइंट एफ इज कॉल्ड द फोकस, ये वाला जो पॉइंट है इसका हमारे पास क्या कहेंगे, इसको फोकस। आए समझ में, पैराबोला का मीनिंग क्या है, देखो पैरा को हम तोड़ देते हैं, देखो पैरा का मीनिंग क्या है, पैरा मीन्स फोर, पैरा का मीनिंग होता है फोर, ठीक है, एंड बोला, ये पैरा है ना, ये वाला पैरा का मीनिंग क्या है, फोर, एंड बोला का मीनिंग क्या है, थ्रोइंग, यानी कि आपके पास क्या है, एक बॉल है, उस बॉल को आप ऊपर की तरफ थ्रो करो। जैसे आप एक बार, हमारे पास एक बॉल है, उस बॉल को क्या करना है, आपने ऊपर की तरफ थ्रो करो, पहले बॉल क्या होगी, ऊपर जाएगी, बिल्कुल ऊपर चली गई, फिर उसके बाद बॉल वो नीचे की तरफ आ जाती है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। पहले ऊपर की तरफ बॉल गई, फिर वो नीचे की तरफ आ गई, तो इसको क्या कहते हैं, पैर। आपने बॉल को ऐसे नहीं फेंकना,
अगर ये बॉल ऐसे बिल्कुल ऊपर सीधी बॉल फेंकोगे तो वो पैराबोला नहीं होगी, जस्ट एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। पैराबोला एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करे, जब नीचे आएगी तब वो एक पैरा, यही उसने लिखा है। पैरा का मीनिंग क्या है, फोर्स एंड बोला, बॉल कह लो, बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करना है। ठीक है, एक ठीक है यहाँ तक, ये इसको एक बार रीड कर लेना। ठीक है, चलो बाकी मैं बोर्ड पे करवाता हूँ, ध्यान से देखो। देखो बेटा, सबसे पहले हमारे पास चार तरह के पैराबोला होते हैं, ध्यान से देखना बेटा, वो तो बुक में था, हम अपनी तरफ से करते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल, इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन लिखते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल फोर एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल फोर एक्स, ये हमारी पैराबोला की इक्वेशन है। जैसे हमने सर्कल की इक्वेशन बनाई थी, ऐसे ही पैराबोला की एक इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल फोर एक्स, ये इक्वेशन याद रखें। ठीक है, ठीक, पैराबोला की इक्वेशन। चलो मैं इसके अंदर टेबल बनाता हूँ और इसका डायग्राम बनाता हूँ, ध्यान से देखना बेटा। यहाँ पर x, यहाँ y। सबसे पहले आप क्या करो, x की जगह 0 पुट कर दो। जब x की जगह 0 लिखोगे तो ये सारा क्या हो जाएगा, 0, तो y भी क्या बन गया, 0। आप x की जगह a लिख दो, देखो वाई स्क्वेयर इज इक्वल फोर ए, एक्स की जगह a लिख दिया तो वाई स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा, फोर ए स्क्वायर। दोनों तरफ रूट कर दो, यहाँ रूट करोगे तो प्लस माइनस का साइन भी आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, वाई प्लस माइनस, फोर का रूट कितना हो गया, टू, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, कितना आ गया, टू, तो प्लस माइनस टू ए बन गया। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस टू ए। ठीक है, चलो अब इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ, ध्यान से देखना बेटा। यहाँ पर लिखें एक्स एक्सिस, यहाँ पर माइनस एक्स, यहाँ पे वाई, और यहाँ पे माइनस वाई, इधर ये ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पर लिख लें ए, और यहाँ पे लिख लें ए, और ये टू ए, ए और टू ए, यहाँ पर माइनस ए, माइनस टू ए। ठीक है, पॉइंट्स लगाओ, एक्स जीरो वाई जीरो, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, एक्स ए वाई टू ए, x तो a लेना है, y 2a, a और 2a, ये वाला पॉइंट। ठीक है, x a लेना है, y माइनस 2a। ठीक है, इन तीनों पॉइंटों को आपस में ज्वाइन कर दो, देखो। ठीक है, तो ये क्या बन गया, पैराबोला। ठीक है, ये हमारी पैराबोला की एक शेप बन गई। ठीक, तो यार बेटा यहाँ तक जौन सा हमारे पास जौन सा ये a लिखा है, ये वाली जो पोजीशन है ये इस पैराबोला की क्या बन जाता है, फोकस पॉइंट। जैसे आप सर्कल बनाते हो तो सर्कल के अंदर एक सेंटर पॉइंट होता है ना, ऐसे ये पैराबोला है, पैराबोला के अंदर इस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। तो इस फोकस के अगर हम कोऑर्डिनेट निकालें तो क्या बनेंगे, ए जीरो। ठीक है, और इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकस। ठीक है, तो इसका नाम हम क्या रख देते हैं, फोकस का फर्स्ट लेटर एफ होता है, इसलिए हम इसको एफ से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो इस पैराबोला का जो फोकस होगा वो कितना बन जाएगा, ए ज़ीरो। क्लियर है बोला यहाँ तक। चलो जो सा ये पॉइंट है, यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर करते हैं ना सर्कल के अंदर, इस लाइन को आप क्या बोलते हो, डायमीटर। ऐसे ही इस पैराबोला है, इस यहाँ पर एक लाइन ये वाली सीधी ड्रॉ कर दो, इस लाइन को हम बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम को एल आर से डिनोट करते हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 2a, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई, 2a, यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी हो गई, 2a, तो इस लेटेस्ट रेक्टम की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 4a। ठीक है, एक चीज़ और देखो, जितना डिस्टेंस इस तरफ है उतना ही डिस्टेंस आप पीछे की तरफ चले जाओ, जितना डिस्टेंस यहाँ है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे, कितना डिस्टेंस है, ए, तो यहाँ पर जैसे अगर मान लिया 3 सेंटीमीटर है तो ये माइनस 3, ये 4 है तो ये माइनस 4, ये 6 है तो ये माइनस 6, ये ए है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, माइनस 8।
तो यहाँ से एक लाइन सीधी ड्रॉ कर दो, ठीक है। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। इस लाइन को हम बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। इसकी हम इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैसे, ये एक्स वाई लाइन पर है ना, तो एक्स किसके इक्वल, माइनस ए के। ए को लेफ्ट में ले आओ तो एक्स प्लस ए किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। तो इसे हम क्या कहेंगे, पैराबोला। ये पैराबोला की डिटेल। ओके बेटा, क्लियर है ये वाला। नेक्स्ट स्टेप, हमारे पास जो पैराबोला है वो चार तरह के होते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट पैराबोला, सेकंड पैराबोला, इसकी इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल माइनस फोर ए एक्स, ठीक है। पहले क्या लिखे थे, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, अब क्या लिखे, वाई स्क्वायर इज इक्वल माइनस फोर ए एक्स। तो अगर एक समझ में आ गया तो सारे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। देखो तो अगर मैं इसकी टेबल बनाऊँ तो कैसे बनाओगे, देखो इस तरह से, यहाँ पर x लिख दें, यहाँ y, x की जगह ज़ीरो पुट कर दो तो y भी ज़ीरो हो गया, x की जगह माइनस ए लिख दो तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल माइनस फोर ए, एक्स की जगह माइनस ए तो वाई स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस फोर ए स्क्वेयर, दोनों तरफ रूट कर दो तो प्लस माइनस टू ए, तो y कितना बन जाएगा, प्लस माइनस टू ए, ठीक है ना। चलो इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ, तो इस पैराबोला की शेप कैसी होगी, देखो नेक्स्ट, यहाँ से x एक्सिस, ये माइनस एक्स, यहाँ से y, ये माइनस वाई ओरिजन, ठीक है। यहाँ पर ये मैं माइनस ए लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से a, इधर से ये 2a, तो इधर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस ए, यहाँ पर माइनस 2a, ठीक है। पहले x जीरो तो y जीरो, ये पॉइंट आ गया, x माइनस ए वाई 2a, x माइनस ए तो y माइनस 2a, 3.123, तीनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दो तो ये पैराबोला की शेप बन गई। ये कर्व बनानी है, ऐसे नहीं बनाना, कई स्टूडेंट्स ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना, ऐसे नहीं, कर्व की शेप लेनी है बेटा, ठीक है। देखो ऐसे बिल्कुल गोल, कर्व की शेप में, ठीक है। चलो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकस, अब की बार फोकस ये वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, माइनस ए ज़ीरो, तो अब की बार हमारे पास ये फोकस कितना आ गया, माइनस ए ज़ीरो, ठीक है। यहाँ से एक लाइन सीधी ड्रॉ कर दो, तो इसको हम क्या कहेंगे, लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी, 4a, यहाँ से यहाँ तक 2a, यहाँ से यहाँ तक 2a, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ दोनों में सेम है, तो जितना डिस्टेंस यहाँ पर है उतना ही डिस्टेंस आप इस तरफ चले जाओ, ठीक है, a, और यहाँ से एक लाइन सीधी ड्रॉ कर दो, तो इसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ पर लिखें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, a, तो x किसके इक्वल हो गया, a को लेफ्ट में ले आओ, x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, बस हो गया कंप्लीट, ठीक है। चलो तीसरा पैराबोला पढ़ते हैं, थर्ड नंबर 3, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल 4ay, तीसरा पैराबोला एक्स स्क्वेयर इज इक्वल 4ay, ठीक। अगर मैं इसके लिए टेबल बनाऊँ तो कैसे, देखो यहाँ पर x, यहाँ पे y, पहले y की जगह लिखो, y की जगह जीरो तो x भी जीरो, y की जगह a लिखोगे तो x प्लस माइनस 2a आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो देखो, यहाँ से x, ये माइनस x, यहाँ से y और यहाँ से माइनस y, इधर से ये ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, जैसे पहले मैंने यहाँ लिख दिया a और यहाँ पे 2a, ठीक है, यहाँ से माइनस ए, यहाँ पर माइनस टू ए और इधर से कितना, यहाँ पर ये a, ठीक है। चलो अब x जीरो तो y ज़ीरो, ये पॉइंट आ गया, x टू a तो y a, x माइनस टू a तो y a, इन सारे पॉइंटों को आपस में ज्वाइन कर दो, क्लियर है बेटा। ये पैराबोला, तो ये वाला जो पॉइंट है ये फोकस पॉइंट होगा, तो यहाँ पर एक्स का कोऑर्डिनेट जीरो होता है ना, तो यहाँ पर इसके जो फोकस होंगे वो क्या बन गया, ज़ीरो ए, तो यहाँ पे लिखेंगे फोकस इज ज़ीरो ए, ठीक है, फोकस इज ज़ीरो ए। तो यहाँ से एक लाइन सीधी ड्रॉ कर दो, तो इसे क्या कहेंगे, लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ फोर ए ही रहेगी, ये टू ए, टू ए फोर,
डायरेक्ट्रिक्स जितना डिस्टेंस ऊपर है उतना ही डिस्टेंस आप नीचे चले जाओ, तो ये क्या बन गया हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ पर देखो ये कौन सी लाइन पर है, वाई वाली लाइन पर है, कितना नीचे गए माइनस ए, तो वाई डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनाई जाती है, तो वाई किसके इक्वल माइनस ए, ए को लेफ्ट में ले जाओ तो वाई प्लस ए इक्वल टू कितना जीरो। तो हमारे पास तीन पैराबोला हो गए। ओके बेटा क्लियर, चलो एक और बनाता हूँ फोर्थ और लास्ट। ऐसे ही देखो बेटा, ऐसे ही देखो हमारे पास पैराबोला नंबर फोर है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई। ठीक है, ये टेबल बना लेना, आपके पास जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ, लेटेस्ट रेक्टम सभी में फोर ए ही रहेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये वाला हमारे पास ये फोकस हो जाएगा, फोकस कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे जीरो माइनस ए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और याद रखो बेटा, चार तरह के हमारे पास पैराबोला हैं, ध्यान से देखो, वाई स्क्वायर इक्वल फोर एक्स, सेकेंड वाई स्क्वायर इक्वल माइनस फोर एक्स, थर्ड वन इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई, और फोर्थ क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई। ठीक है, अरे इसके अंदर एक चीज़ जो गौर करने वाली बात है, ध्यान से देखो कि अगर एक्स की पावर वन है, देखो ध्यान से, अगर एक्स की पावर वन है तो पैराबोला एक्स एक्सिस पर बनेगा। ठीक है, अगर वाई की पावर वन है तो पैराबोला वाई वाली लाइन पर बनेगा। ओके, अब एक चीज़ और देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे प्लस का, देखो एक्स की पावर वन है तो एक्स एक्सिस पर, अगर प्लस का साइन है तो राइट में, और माइनस का साइन है तो लेफ्ट में। ठीक है, ऐसे ही वाई की पावर वन है तो पैराबोला वाई एक्सिस पर, अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो पैराबोला ऊपर की तरफ, यहाँ माइनस है तो नीचे की तरफ। तो एक चीज़ और ध्यान रखें कि लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हर एक में सेम है, फोर ए फोर ए फोर ए फोर ए, फोकस क्या है यहाँ पे ए जीरो, यहाँ माइनस ए जीरो, यहाँ जीरो ए और यहाँ जीरो माइनस ए, ये चार तरह के हमारे पास पैराबोला हैं, जरा ध्यान से देख लो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये सारे पैराबोला जो मैंने अभी पढ़ाया ये सारा आप उसे एक कॉपी पर नोट कर लें, उसके बाद हम फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके थैंक यू।